गणपति फेस्टिवल अब स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में हमारे टीवी सेलेब्स भी रेडी हैं गणपति बापा का वेलकम करने के लिए। इस फेस्टिवल के पहले टीना दत्ता पहुंची अंडर प्रिविलेज किड्स के पास और अपने अंदाज में किया गणपति बापा का वेलकम। ट्रेडिशनल लुक में टीना ने बच्चों के साथ डांस भी किया। वेल चलिए देखते हैं टीना का क्या कहना है इस खास सेलिब्रेशन के बारे में। मैं ऐसे ही बच्चों के साथ डांस करके सेलिब्रेट करना चाहती थी। व्हाट बेटर वे टू सेलिब्रेट इनके साथ। तो आई जस्ट थॉट कि कुछ अलग करते हैं यार, हर साल तो घर पे पूजा करती है, इस साल कुछ अलग करते हैं। गणेश चतुर्थी आपके लिए क्या मायने रखते हैं? गणपति जैसे हम सबको पता है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, सबके लाइफ के विघ्न दूर करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में जिसके भी जो भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो जाए और बप्पा की ब्लेसिंग्स हम सब पर हमेशा बरकरार रहे और सब खुश रहे। मैं बहुत सिंपल सटल रख रही हूँ, मैं बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आई जस्ट वांट टू हैव फन विद देम। थैंक यू गाइस। क्या मालती देवी का बेटा कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया ही है? वेल सीरियल अनुपमा में रोज एक नए ट्विस्ट आते ही रहते हैं। ऐसे में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अब जो ट्विस्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मालती देवी अनुपमा के घर में आ चुकी हैं। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में अनुपमा ट्राई करती है कि कैसे भी मालती देवी ठीक हो जाएं और अनुपमा को गुरुकुल के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें मालती देवी के खोए हुए बेटे का क्लू भी रहता है। सोर्सेस की माने तो शो में जल्दी रिवील होगा कि मालती देवी का खोया हुआ बेटा कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया है। इसके पहले ट्रैक में पाखी की किडनैपिंग ने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ काफी खींच लिया था। सलमान के शो बिग बॉस 17 के घर में एंट्री पर आदिल खान दुर्रानी ने साध ली है चुप्पी। आदिल इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। वेल, राखी एंड आदिल कंट्रोवर्सीज को देखते हुए सभी यही अनुमान लगा रहे हैं कि आदिल खान दुर्रानी की बिग बॉस 17 में एंट्री हो सकती है। लेकिन जब आदिल से इसके बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। डेफिनेटली ऐसा कोई इशू है जिसमें मेरी रियल पर्सनैलिटी निकल के बाहर है और लोगों को सच में पता चले ये तो ड्रामेबाज नहीं है, ये तो प्रॉपर एक रियल इंसान है। वेल, आपको बता दें कि अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर ही सही आदिल खान बन चुके हैं एक स्टार। आदिल को इवेंट्स में बुलाया जाने लगा है। वहीं दूसरी तरफ अब राखी सावंत ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने नए फ्रेंड को। ऐसे में अब ये आदिल और राखी स्टोरी कब तक चलेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।